हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे हाउ एनिमे चैनल एनिमे शॉर्ट्स वर्क फॉर माई चैनल, कि कैसे एनिमे जो शॉर्ट्स मैं बनाता हूँ ये करता हूँ, एनिमे कैसे हेल्प कर रहा है मेरे चैनल को, वो सब चीज़ों का हम बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को एंड तक देखना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम लोग 5 चीज़ों में डिवाइड करके रख रहे हैं, जिसके अंदर मैं 5 आपको पॉइंट्स बताऊंगा कि हाउ एनिमे मेरे चैनल को बेनिफिट कर रहा है और मैंने कौन से ऐसे कंटेंट डाले हैं जिसके वजह से एनिमे जो वर्ड है वो मेरे लिए बहुत यूज़फुल आ रहा है। तो ये सब चीज़ों को देखेंगे फ्रेंड्स। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स मीन्स 1 वीक हो गया रहेगा, 1 वीक में टोटल बहुत सारे एनिमे मैंने पोस्ट किए थे। उस एनिमे में से कौन से भी ऐसे 5 जो पोस्ट है वो बहुत रीच आउट हो गए यूट्यूब एल्गोरिदम के वजह से। यूट्यूब एल्गोरिदम अगर आपको पहले से मालूम रहेगा, अगर आप यूट्यूब पे रहोगे फ्रेंड्स, यूट्यूब एल्गोरिदम में जो आपके हैशटैग्स हो गए या फिर आपके डिस्क्रिप्शन हो गए उसके वजह से वो रीच आउट कर देते हैं। रीच आउट करने के वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, आपका जो भी शॉर्ट्स या जो भी यूट्यूब वीडियो आपने पोस्ट किया वो बहुत ही लार्जर नंबर ऑफ पीपल के पास ज़्यादा सर्व होने लगता है, ज़्यादा उनके टॉप रीचेस पे आ जाता है या फिर शॉर्ट्स वो लोग देखते रहेंगे तो उन पे आ जाता है। तो उनके वजह से क्या होता है कि जो आपका कंटेंट रहता है, कंटेंट का आपको वॉच टाइम, इंप्रेशन, रीच, ये सब चीज़ आपको मिल जाता है। तो इसी चीज़ के मैं आपके लिए बोल रहा था कि एनिमे मेरे लिए बहुत बेनिफिट हुआ है। तो मैंने कंटिन्यूस वो आपको मैं यहाँ पर लिंक में यहाँ पर दे दूँगा, यहाँ पर लिंक नहीं तो उनके जो थंबनेल्स रहेंगे जो मैंने बनाए रहेंगे वो सब मैं यहाँ पर डाल दूँगा, जिसकी वजह से आप जाके उसको देख भी सकते हो। तो वो चीज़ तो हो गया। तो दूसरी चीज़ में जो आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, दूसरी चीज़ में जो बहुत सारी कंट्रीज़ में रीच आउट होगा, मेरा जो प्रीवियस जितने भी पहले के वीडियोस थे उसमें जो ज्योग्राफिकल खाली इंडिया दिखाता था, बट जब से मैंने एनिमे शॉर्ट्स ज़्यादा पोस्ट करना चालू कर दिया उसके वजह से जो मेरा रीच आउट है बहुत डिफरेंट ऑफ कंट्रीज़ में शो हो रहा है, वो मैं आपको यहाँ पर शो कर दूँगा, जिससे आपको बहुत ही आसानी पड़ेगा कि हाउ एनिमे बहुत ही यूज़फुल टॉपिक हो सकता है आपके लिए भी, जैसे वो सक्सेसफुल मेरे लिए हो रहा है अभी फ़िलहाल में। तो वहाँ पर जितने भी जो वीडियोस जो मैंने शॉर्ट्स पोस्ट किए हैं ओवर 1.5 से लेकर 2.2 के व्यूज़ तक आ सकते हैं, मीन्स 150 से लेकर 2000 व्यूज़ तक आपके पास आ सकते हैं वो शॉर्ट्स डालने पे। और वो क्या रहता है मीन्स कुछ सेकंड्स के, मीन्स आपको 1 मिनट का बनाना रहता है बट मेरे जो वीडियोस रहते हैं वो 20 सेकंड्स के रहते हैं ये शॉर्ट्स। तो वो हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट, यहाँ पर हमने अपना कम्प्लीट कर दिया। तो चलिए बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड पॉइंट कि मैं वो क्लिप्स बनाता कैसा हूँ या फिर वो सॉन्ग और म्यूज़िक मेरा रीच आउट कैसे होता है, उसके अंदर सबसे पहला चीज़ आता है एनिमे क्लिप्स के बारे में। एनिमे क्लिप्स आप कैसे ले सकते हो, एनिमे क्लिप्स या तो फिर आप यूट्यूब से ले सकते हो जिसके अंदर क्रिएटिव कॉमन पॉलिसी उसके अंदर अप्लाई हो, या तो फिर आप एनिमे जो आपको ट्रेंडिंग दिख रहे फ़िलहाल में वो सब चीज़ आप ले सकते हो, जो भी बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जो एनिमे डाउनलोड करके आप उनके क्लिप्स उठा सकते हो फ्रेंड्स। तो वो हो गया क्लिप्स के बारे में। क्लिप्स के अंदर आपको कौन से क्लिप्स लेने हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ। क्लिप्स के अंदर मोस्ट ऑफ आपको फाइट सीन लेना है या फिर रोमांस सीन या फिर एम्बेरेसिंग मोमेंट या फिर ट्रांसफॉर्मेशंस की कौन से वीडियो पे कौन सा नया वर्जन आया, वो सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए फ्रेंड्स। क्लिप्स यहाँ पर हमारा यहाँ पर बन गया। क्लिप्स के बाद आता है म्यूज़िक। म्यूज़िक एक की रोल है फ्रेंड्स, आपको बता देता हूँ। पहले मेरे जितने भी जो कंटेंट जो वायरल हुए हैं अभी फ़िलहाल में जो चल रहे हैं तो जिसपे ज़्यादा व्यूज़ है उसके वजह से जो मेन रीज़न है वो है म्यूज़िक। म्यूज़िक आपको कौन से लेने हैं, जो म्यूज़िक अभी फ़िलहाल में ट्रेंडिंग है वो सब म्यूज़िक को आपको डाउनलोड करना है और उसके जो बेस्ट पार्ट है वो आपको लेकर उसको एडिट करना है फ्रेंड्स। आपको कौन से मालूम पड़ेगा कि ये म्यूज़िक अभी ट्रेंडिंग पे है, आपको ये सब चीज़ मालूम पड़ सकता है इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब। तो लिस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जो बेस्ट एडवाइस मैं आपको देना चाहता हूँ रिगार्डिंग एनिमे के रिलेटेड, कि आप उसको यूज़ कर सकते हो। एनिमे अभी फ़िलहाल में फ्रेंड्स ज़्यादा लोगों ने एक्सप्लोर किया नहीं है, बहुत कम लोगों को मालूम है, तो उस चीज़ के बारे में आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बना सकते हो, उसके ऊपर एनिमे शॉर्ट्स बना सकते हो या फिर एम्बेरेसिंग मोमेंट जैसा मैंने आपको बताया है टॉपिक्स के बारे में कैटेगरी के हिसाब से। तो वो म्यूज़िक कैटेगरी में अगर चला गया, म्यूज़िक कैटेगरी से तो बहुत ज़्यादा वायरल होने के चांसेस है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप जो ट्रेंडिंग म्यूज़िक यूज़ करोगे तो उसमें डेफिनेटली वो पार्ट जाएगा और उसकी वजह से वो चीज़ ट्रेंड हो सकता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। इसके रिलेटेड और भी टॉपिक्स मैं बनाऊंगा फ्रेंड्स, अगर आपको चाहिए रहेगा या डिफरेंट टॉपिक्स के रिगार्डिंग ट्यूटोरियल चाहिए रहेगा तो आप कमेंट डाउन बिलो कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।